ओम शांति। आज 14 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, ये गति को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मेंद्रिय से कभी कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, और जो भी पाप कर्म हो गया है तो उसके लिए बाबा कहे, दे दान तो छूटे ग्रहण। ज्ञान दान करते चलो, बाबा को अपना तन मन धन सब कुछ इंश्योर कर दो। वो एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ था जिसने सोचा कि मैंने जो कुछ भी कमाया है वो अपने साथ अगले जन्म में ले जाना चाहता। तो क्या करे, हर एक महात्मा उसको यही समझाते रहे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते। उसने सोचा, नहीं, मुझे ले जाना है, कोई तो विधि जरूर होगी। और इसीलिए जब एक बार वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसने उसको कहा कि जरूर ले जा सकते हैं, तुमने जो यहां कमाया सब कुछ साथ चलेगा। कहा, पहले व्यक्ति हो आप जिसने मुझे ये बात कही, तो मुझे अब विधि बताओ कि यहां जो कुछ भी मैंने कमाया है उसको साथ में कैसे ले जा सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, जैसे कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अलग अलग पॉलिसी लेते हैं, लेकिन ये पॉलिसी पकेगी कब, जब हर महीने प्रीमियम भरते जाएंगे। जितने आप प्रीमियम भरते जाएंगे तो फिर समय आने पर ये पॉलिसी पकेगी। ठीक इसी तरह यहां जो कुछ भी कमाया है तो प्रीमियम भरते जाओ, अर्थात उतना तन मन धन से दान करते जाओ। जिस तरह दुनिया में भी कहा जाता, कोई हॉस्पिटल में दान करता है तो अगले जन्म में उसको हेल्थ अच्छी मिलती, कोई एजुकेशन में दान करता है तो दूसरे जन्म में उसको बुद्धि अच्छी मिलती है, और कोई धर्मशाला आदि बनाता है तो उसको महल आदि मिलता है। सुदामा के लिए भी दिखाते हैं कि उसने चावल मुट्ठी दिया और कितना कुछ प्राप्त कर दिया। तो इसी तरह से प्रीमियम भरो और प्राप्ति करो अगले जन्म में। जहां भी जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को आप वहां प्राप्त कर सकते हो। तो आज बाबा भी कहे, ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को इंश्योर किया था, तन मन धन सहित इंश्योर किया था, इसलिए इतना कुछ उसने रिटर्न में प्राप्त कर लिया। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रिय से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, दे दान तो छूटे ग्रहण। आज की मुरली से प्रश्न है, इस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्तनशीन बनते हैं। उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हैं। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है,
बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मर कर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता, परम आत्मा, माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्य से तेजोमय है। ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। बाबा कहे बाबा का स्वरूप ऐसा तो है नहीं, वास्तविकता बतानी है। क्या कहना है? परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूं। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूं, परंतु जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज है, यह नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आंखों से देखने में आते हैं। आकृति है तो देखने में आते हैं, बाकी यह शिव बाबा का चित्र दिखाते हुए कहा, यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं, ये नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। बाबा कहे वास्तव में ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूं, पावन बनाता हूं, फिर पांच विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती है, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कलश संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। पांच विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, पांच विकारों को ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूं। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये पांच विकार है, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर, बाबा फिर कहते हैं आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रिय से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूं। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूं। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, ये पांच भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो,
बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों का है, भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है, यह तुम इंश्योर करते हो। भगवान के अर्थ देना, ईश्वर के अर्थ दान करना अर्थात इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे, ये इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वह इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए। यहां तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है सन शोज फादर। देखो फादर यानी ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है। बाबा को याद करते तो बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी यहां ही बनना है, तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती है। यह चलती है माया की युद्ध। बाबा कहे बाबा के बच्चे और माया की युद्ध। बच्चे पवित्र बनते हैं तो माया फिर विकारी बनाती है। यह है मुश्किला, माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाई, खंडन कर दिया है, तो माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं, बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रिय से तो कुछ नहीं किया है, बाबा कहे तो अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कर्मेंद्रिय से तो नहीं कुछ किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, ये तो आएंगे। यह भी सर्जन है, शिव बाबा भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो ये बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवता ही गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो,
सर्टिफिकेट लेना है, स्वर्ग में जाने के लिए सर्टिफिकेट लेना है। इस बात का सर्टिफिकेट सपूत बनने का, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूं या कपूत, तो बाबा बतला सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भले तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो इसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। दुआएं मिलती है तो उस दुआओं से प्राप्ति होती है। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा तीन पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, बहुत आकर बाबा के बच्चे बनेंगे तो बाबा कहे उतना तुम्हारा पुण्य होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है, आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी है, क्या उनके पुत्र पौत्र खाएंगे, धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाएं गरीबों को मिलती है, गरीब निवास है ना, ये बाबा नंबर वन साधारण था। 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे, बाबा कहे 1000-2000 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे, गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे, यह राज्य तो मृग तृष्णा के सदृश है, इस दुनिया का राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह तो ऋण का पानी मृग तृष्णा है, सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहां तो ये पत्थर पूरी है, वहां होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कलह संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी है, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। दुनिया के अंदर मनुष्य कितना नींद की गोली लेकर नींद करते हैं, यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो, विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए, साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है,
पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी का आवाहन करो, तो बच्चे भी बाबा से पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं, अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ। जैसे कई दुकान वाले होते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, अब परिवार में सभी तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो बाबा कहे तुम साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? मिशन है ना, यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाए खिदमतगार हो, अर्थात बाबा के मददगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। मैं हूं ही निष्काम, तुमको राजाई देकर फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूं। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है। शिव बाबा कहे मुझे राजाई सुख भोगने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूं, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। बचपन के दिन भूल नहीं जाना, तो बाबा कहे जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, खुदाए खिदमतगार बन
रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। तीन पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा, बाबा कहे अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। इतनी सूक्ष्म गति बाबा ने समझाई कि चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। आज का स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति।